दशा माता की छठी कहानी। एक घर में कहीं कोई देवरानी जेठानी थी। उनके कोई संतान नहीं होती थी। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी। एक दिन दोनों सवेरे सवेरे गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने उनको आग नहीं दी। दोनों खाली हाथ पर घर आकर कहने लगी कि आज तो गांव भर में दशा रानी का पूजन है, कोई आग देती ही नहीं है, क्या किया जावे। तब जिठानी बोली कि कोई बात नहीं, आज अपन लोगों का भी व्रत ही सही, शाम को ही रसोई बनाकर भोजन करेंगे। संध्या के समय जेठानी एक पड़ोसिन के घर आग लेने गई। पड़ोसिन ने उसे आदर पूर्वक बिठाया। जेठानी ने पूछा कि दशा रानी का व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसिन ने कहा कि जिस बात की इच्छा कर गंडा लिया जाता है, वह इच्छा पूर्ण होती है। जब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब भी गंडे पड़े तो मैं भी गन्ना लूंगी और पूजन करूंगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसिन के घर में घर से ज्यों ही बाहर निकली कि एक ग्वाला जिसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसको चाटते हुए उसके पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसिन ने पूछा कि भैया, तुम्हारी गाय पहली बार ही ब्याई है या दोहली या तहली है। उसने कहा कि पहली ही ब्याई है। पुनः स्त्री ने पूछा कि बछड़ा है या बछिया। ग्वाला बोला कि बछड़ा है। तब उसने अपने घर आकर देवरानी को भी यह बताई बताई तो दोनों ने दशा रानी के गंडे लिए और दशा रानी का ध्यान व स्मरण करके स्नौती मनाई मन्नत मनाई मनौती मनाई कि यदि हमारे संतानें होगी तो हम भी सुहागिने नियोत कर सब कुछ करेंगी। दशा माता के गंडे की पूजा होने से पहले ही देवरानी जेठानी दोनों के घर से दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए। बालक को जन्म संस्कार के बाद ही देवरानी ने कहा कि बालक होने पर जो सुहागिने नियोतने की मनौती की थी उनको नियोत देना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी जल्दी क्या है, जब लड़कों की पत्नी अन्न प्रसन्नत्र संस्कार होगी तब न्योत देंगे देंगी सब। जब लड़कों की पत्नी हुई तब देवरानी ने याद दिलाई। जेठानी ने फिर भी टाल दिया और कहा कि जब लड़के बड़े होंगे उनकी सगाई होगी उसी दिन सुहागिने न्योत देंगे। लड़के बड़े हो गए, उसका सगाई संबंध भी पक्का हो गया। फिर भी जेठानी ने सुहागिने नहीं जोती। उसने कहा कि जिस दिन लड़के की भावरे बड़ी होगी भावरे पड़ेगी उसी दिन सुहागिने नियोत कर उत्सव के साथ पूजा कर देंगे। देवरानी बोली कि बहन, तुम चाह जब करना, मैं तो मांडपाच्छदान के दिन ही सुहागिने नियोत दूंगी। देवरानी ने जैसा कहा वैसा ही किया। उसने मंडपाच्छादन के दिन ही सुहागिने न्योत दी, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। पच्छादन के बाद मात्र का पूजन करके और बारात सजाकर दोनों दूल्हे ब्याहने के लिए चल दिए। जिस लड़के की माता ने मंडपाच्छादन के दिन सुहागिने न्योती थी उसका विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागिने नहीं न्योती थी उसको ठीक भावरों के समय दशा रानी बीच मंडप से हर कर ले गई। दूल्हे को एकदम गायब देखकर वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गई। उसकी बारात खाली हाथ घर वापस आई, उधर लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब अदब्याही लड़की किसके सिर मंडी जाएगी। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़की के हवाले कर दिया। लड़की मंगतर भिखारी लोगों को सदा व्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उस गांव की ओर आया। गांव से कुछ दूर एक पारस पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ में दशा रानी का निवास था। साधु अंधेरा होने के कारण उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। जब दिया बाती का समय हुआ तो झाड़ूदार ने उसी पेड़ के पास
मैदान में झाड़ू लगाई। फिर भिषित ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। अनेक प्रकार की पोशाकों पहने देवगण आ गए आ आ आ आ आकर यथास्थान बैठने लगे। सबके बाद स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी समय अनेकों अप्सराएं व सुंदरियां वहां आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी। उसी समय दशरथ रानी उस अदब्याहे लड़के को लेकर पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सुरागाय भी आई थी। लड़के ने दो कटोरा दूध लेकर एक कटोरा रख दिया और एक कटोरा दूध पी लिया। जब तक नाच तमाशा हुआ, दशरथ रानी लड़के को गोद में लिए बैठ रही। उस सवेरा होते होते सभा भंग हुई। साधु भी वहां से चलकर भिक्षा मांगता उस अधब्याई लड़की के पास घर गया। लड़की ने उसके लिए भोजन बनाकर तैयार किया। बाबा जी भोजन करने बैठे, तब लड़की ने तीन पतले परोसकर एक को अधब्याय वर्ग के नाम से अलग सरका दिया। एक पतल उसने बाबा जी के सामने परोसी और एक पतल उसने खुद अपने सामने रखी। बाबा जी ने अपने आप ही कहा, आहा जा, बात यहाँ देखने में आई, वही बात यहाँ पर देखने में आ रही है। लड़की ने पूछा, क्या कहा बाबा जी? बाबा ने कहा, बात को टालते हुए कहा कि हम तो वैरागी लोग ऐसी अनेकों बातों की कहा करते हैं, तुमको इन बातों में से क्या प्रयोजन है? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट कर ली, जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूँगी। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। अंत में वह बाबा के साथ उस पीपल के वृक्ष के पास आई। उस पीपल के वृक्ष के पास आई। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई, तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई। भिष्टिक ने जमीन झिड़की। माली ने फूल बिखराए। राजा इंद्र आए। परियों का नाच गान हुआ। उसी समय दशा माता पीपल से उतर कर सभा में बैठी। लड़के ने सुरागय से दूध लिया और उसी अदब्याई के नाम का अलग रखकर ज्यों ही कटोरा मुंह से लगाया, त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर लड़के के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ और जो आज्ञा दी जाए वही सेवा भी करूँगी। तब वह बोला कि मैं तुमको इस तरह नहीं मिल सकता, मैं दशरथ रानी की सेवा करता रहता हूँ। अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशरथ रानी को प्रसन्न करके उनसे मुझको मांगो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दशरथ रानी की गोद में जा बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ, तब दशरथ रानी ने कहा कि यह नाचने वाली लड़की बहुत अच्छा नाची है। उसे बुलाकर उन्होंने कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मांग लो जो कुछ मांगना चाहो। लड़की ने दशरथ रानी से वचन किया कि जो मांगो सो पाऊँ। तब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए, तूने मांगा तो बहुत लेकिन मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरा वर तुझे देती हूँ। राजा इंद्र ने दशा माता से पूछा कि भगवती यह क्या भेद है, जरा हमको भी बताएं। तब दशरथ रानी बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनोती मानी थी कि जब लड़का पैदा होगा तब सुहागिनों का नियोग दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया, इस कारण दिए हुए बालक को विवाह मंडप से मैं हर लाई थी। यहाँ उसकी अदब्याई बहू है, परंतु पतिव्रता है, इसी कारण यह देव सभा में आकर अपना पति ले जा रही है। दशरथ रानी के ऐसे वचन सुनकर इंद्रादि देवों ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए। तभी साधु बाबा भी वहाँ आ गए। आगे साधु बाबा, उसके पीछे लड़का और उनके पीछे लड़की, तीनों गांव की ओर चल पड़े। जब गांव के समीप पहुँचे तो लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने पति के साथ वापिस आ रही है। लोका
अपवादवश उसके पिता घर से बाहर नहीं निकलते थे। बात सुनने में आई तब उसने किन्वान बंद कर लिए, किंतु जब गांव के प्रतिष्ठित व गणमान्य लोगों ने भी उससे वही बात कही तब लज्जाता शर्माता वह बाहर आया और सचमुच दरवाजे के पार बाहर दामाद को देखा तो उसकी खुशी का पार ना रहा। उसने इसी खुशी में बहुत दान पुण्य किया, बधाई बंटवाई और फिर से विवाह करने की तैयारी की। लेकिन लड़की ने कहा, पहले वर के घर से सुहागिनों का नियोत कर बारात सहित बुलाएं। अतः लड़की के बाप ने लड़के के घर खबर भेजी। वहां सुहागिनों सहित बारात आई। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। वर वधू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माँ ने सुहागिनें नियोती। उसी समय से विवाह में भावरों के दिन वर के घर से सुहागिनों नियोतने की चाल चली है। दशरानी जैसी सती की दशा फेरी, वैसे ही कथा के श्रोता वक्ता आदि सभी का कल्याण करे। जय दशा माता की जय।